morning everyone. Today we are going to see how to make red wine using Indian grapes. यहाँ पे for this what the grapes that I use is Bangalore Blue. ये पूरा जो crate है carton है ये मुझे 250 रुपए का मिला था. आप Bangalore Fruit Market से भी ले सकते हो. Otherwise अगर आप नासिक साइड में हो तो नासिक महाराष्ट्र में भी काफी सारे grapes मिलते हैं तो वहां पे भी आप ले सकते हैं grapes. तो आपको when we talk about grapes, try to find grapes which have seeds because seeds wale grapes are almost 1/3, 1/4 the price of the seedless grapes. And try to get the grapes which are smaller in size. क्यों? क्योंकि जब हम smaller size के grapes लेते हैं तो उसमें skin to pulp ratio higher रहता है. आपने कभी grape देखा होगा तो आप उसमें देखोगे कि skin में सारा red color है और जो अंदर है वो बिल्कुल white fleshy part है. So if you have a smaller grape size, then the skin to the pulp ratio would be higher. अगर skin to pulp ratio higher रहेगा तो आपके जो grape बनेगा, जो wine बनेगी उसमें ज्यादा full body, यानी ज्यादा better color आएगा और better flavors आएंगे. आपके most of the flavors and color is going to come from the skin and most of the sugars and the alcohol is going to come from the pulp. So you need to find the right balance. ठीक है? I typically use about 1.5 kgs of grapes for 1 liter of wine or grape juice. थोड़ा सा पल्प होता है, थोड़ा सा सीड होता है, थोड़े से स्टेम बचते हैं और थोड़ा सा वेस्टेज होती है, उसके कारण से थोड़ा सा वेस्टेज होते हैं. बट 1.5 kgs पर लीटर इज कंसिडर गुड. मैं आई फॉलो काइंड ऑफ क्लोजर टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जिसके अंदर मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा. अगर आप गोवन स्टाइल की बना रहे हैं तो उसके अंदर जितना ग्रेप होता है उससे ज्यादा ये लोग पानी डालते हैं और बाद में उसमें स्टार्च के लिए वो कभी कभार ये डालते हैं, वीट डालेंगे, कभी कॉर्न डालेंगे, सो दैट उसका बॉडी फिर से आता है. लेकिन अगर आप यूरोपियन स्टाइल की फुल बॉडी रेड कलर की आप चाहिए तो उसमें हम लोग पानी नहीं डालते हैं. अगर डालने की जरूरत भी पड़ेगी तो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे कि जब अगर लगेगा कि फ्लेवर्स डायल्यूट करके बेटर हो रहे तब हम वो करेंगे. और क्योंकि मैं पानी नहीं डाल रहा हूं तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी आपको टेबल पे आपको शुगर भी नहीं दिखेगा, मैं शुगर भी नहीं डाल रहा हूँ. वरना अगर आपको डालनी है सो फॉर एवरी 1 लीटर यू कैन एड बिटवीन 50 ग्राम्स टू 100 ग्राम ऑफ शुगर आप डाल सकते हैं. तो उससे क्या होगा कि करीबन 3 to 5% आपका एल्कोहल लेवल इंप्रूव हो जाएगा. बट टिपिकली 10% इज कंसिडर्ड एज अ गुड लेवल. अभी हम लोग चेक करेंगे कि एल्कोहल लेवल भी होगा. उसके लिए मैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स लाया हूँ. पहला है रिफ्रैक्टोमीटर और दूसरा है ट्रिपल स्केल हाइड्रोमीटर. हम दोनों को यूज करेंगे. और मैंने क्या क्या चीजें यूज की हैं, मैंने इसके अलावा एक रेड वाइन किट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो भी आप यूज कर सकते हैं. इसके अंदर कैमडन आता है. कैमडन इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटाइजर. अगर आपको लार्जर स्केल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर केमिकल्स चाहिए तो आप एन्फोसैन भी यूज कर सकते हैं. एन्फोसैन इज फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड. ये आपको पूरी बॉटल आपको 5 ml इन 7 लीटर्स आपको डाइल्यूट करनी है. सो दिस एंटायर बॉटल विल लास्ट यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ग्रेप्स को वॉश करेंगे. उसके लिए मैंने एक लास्ट टब ले रखा है. ये अवॉइड करिएगा कि बाथरूम से सामान लेने के लिए क्योंकि फिर आपको क्लीन शुद्ध कैसे करेंगे. तो अकी पर टब सेपरेटली, ये बहुत महंगी चीजें नहीं आती हैं, आपको किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगा. आप एक सेपरेट सा टब रखेंगे. अगर आपको वैसे भी यूज करना, अगर बाथरूम के साथ भी यूज कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से वॉश करें. बट एक लार्ज आपको एक टब चाहिए. इट डज नॉट मैटर कौन से मटेरियल का हो. आई प्रेफर प्लास्टिक बट अगर आपको स्टील का बड़ा सा परात भी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. ग्रेप्स, ये अभी 10 kgs ग्रेप्स हैं. मैं सारे ग्रेप्स को इसमें डाल रहा हूँ. ठीक है, इसमें बहुत सारा ये मटेरियल आएगा तो ये सब हम लोग बाहर इधर फेंक देंगे. ठीक है, थैंक यू. स्टेम को सेपरेट आउट कर रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं इसमें फायदा ये होता है कि जो स्टेम्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमूव देम. और ये जो छोटे मोटे जो आपके बाकी भी सामान जो होता है, जो जिसका जूस नहीं निकलता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी फ्लोट करेंगी. बाद में हम लोग इसको एक छलनी लेंगे और छलनी से पूरा सिफ्ट आउट करके, सीव करके सारा एक साथ निकाल देंगे इसमें, जिससे सारी स्ट्रॉ सब कुछ निकल जाएगी. सो इट इज ऑलवेज ईजियर एंड बेटर इफ यू सेपरेट देम एंड क्लीन देम ओवर वाटर. ग्रेप्स के ऊपर आपको एक वाइट सी लेयर्स दिखती हैं. डोंट वरी, दीज कुछ लोग कहते हैं कि केमिकल्स हैं बट ये केमिकल्स नहीं है. दीज आर नेचुरली फॉर्मिंग ईस्ट, जिससे जो
जो आपकी ग्रेप की सरफेस पे व्हाइट ईस्ट फॉर्मेट फॉर्मेशन होती है. इन लॉट ऑफ यूरोपियन वाइन्स दिस ईस्ट इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म द फर्मेंटेशन. इंडिया में क्योंकि हम लोग इतना बायोम वगैरह फॉर्म नहीं किया गया है तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू यूज पैक्ड ईस्ट टू क्रिएट इट. अगर आपने अपनी ईस्ट के स्ट्रेन्स आइसोलेट किए हुए हैं आपके अपने बगान में से है तो आपको ईस्ट डालने की जरूरत नहीं है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू एड ईस्ट. तो जैसे आपको दिख रहा है कि जो भी पत्ते वत्ते बचे हैं जो भी सूखे से ऐसे हो जाते हैं ना, देखिए बिल्कुल से खराब से जो ग्रेप्स हैं कुछ ड्राई हो रहे हैं वो सब कुछ फ्लोट कर जाता है. तो इससे आपकी सफाई बहुत ईजी हो जाती है. और अगर उसके बाद भी आपको और सफाई करनी है तो एक छलनी लीजिए और छलनी के साथ साथ उसको एक बार फेर दीजिए. ठीक है, जब आप फेरेंगे तो सारी गंदगी आपके छलनी में आ जाएगी और ये पूरा साफ हो जाएगा. ऐसे आप दो तीन बार करेंगे तो आपका ये साफ हो गया. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था, इसका सारा कलर आपकी स्किन में है, अंदर में तो बिल्कुल ये वाइट है. तो अगर हमें व्हाइट वाइन बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा ओवरनाइट हम लोग उसको भिगो देंगे. जब हम लोग भिगोते हैं इसको ओवरनाइट तो फिर इसकी स्किन और ये अलग से इजिली निकल जाते हैं. तो आप इसको ऐसे अलग कर सकते हैं और फिर आपके अंदर से व्हाइट वाइन बन जाएगी. अगर आपको रेड वाइन बनानी है तो आप स्किन यूज कर लीजिए. और व्हाइट वाइन बनाने का और भी दूसरे तरीके हैं कि आपको थॉम्सन और दिलखुश सीडेड ग्रीन ग्रेप्स आते हैं और थॉम्सन सीडलेस ग्रीन ग्रेप्स आते हैं. ये दो वैरायटीज भी आप ले सकते हैं जिससे आप व्हाइट वाइन बना सकते हैं, व्हाइट वाइन स्पार्कलिंग वाइन. रेड वाइन मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ी सी स्टिल हो, यानी विदाउट एनी एफर्वेसेंस. मैं 10-13% 13.5% इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर मी. तो 10-13% के बीच की एल्कोहल डेंसिटी की स्ट्रेंथ ही मैं वाइन लूंगा. अभी हमारा ऑलमोस्ट धुलना का काम पूरा हो चुका है. ये 10 किलो ग्रेप्स हैं. इसको धोने के बाद अभी हम लोग इसका जूस निकालेंगे. उसके लिए हम एक बैग यूज करेंगे. So, अभी हमने जो किया है वो है कि हमने ग्रेप्स को अलग कर दिया और उसकी स्टेम्स को अलग कर दिया. स्टेम्स को हम लोग इसलिए अलग करते हैं क्योंकि अगर आपने स्टेम्स को फर्मेंटर के अंदर डाल दिया फर्मेंट होने के साथ साथ तो ये कड़वे वाले टैनिंस रिलीज करती है तो इससे आपकी वाइन में कड़वाहट आ जाती है. तो इसलिए मैं इसको हमेशा इसको अलग कर देता हूँ. थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन पानी के अंदर वो इजिली हो जाता है. नाउ कि हमारे वाइन किट में क्या क्या चीज़ें हैं तो हम लोगों ने वाइन किट को मैं अभी खोल रहा हूँ. तो वाइन किट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगी ये ग्रेप बैग. ठीक है, ये एक बहुत लार्ज साइज का बैग है जिसके अंदर हम लोग सारे ग्रेप्स को डाल देंगे. मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ. आप किसी कॉटन पिलो कवर को भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं ब्लू बैग इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ये सारे ग्रेप्स आ गए तो मेरा पानी वानी निकालना ईजी हो गया. दूसरी चीज है इसका साइज देख सकते हैं, इसमें काफी सारे ग्रेप्स आ जाएंगे. बिना ग्रेप्स के अगर आपने जब स्क्वीज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये ग्रेप्स पूरे रूम में फैलते हैं और ये रेड कलर के ब्लैक ग्रेप्स हैं तो यानी जहाँ पे अगर दीवार पे टच कर जाते हैं तो आपको रेड कलर के दाग धब्बे आग भी आ जाते हैं. इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैंने रेड कलर का मैं एप्रन भी पहनने वाला हूँ. ठीक है, ये एक तो ब्लू बैग आ गया. दूसरी चीज आ गई आपका एयरलॉक की कैप और इसका एक ग्रोमेट है. ग्रूमेट कैसे, इसको कैसे आपको फर्मेंटर में फिट करते हैं इसकी एक दूसरी वीडियो है जो मैं आपको लिंक में आपको मैं दे दूंगा हाउ टू यूज दिस. ये आपके किसी भी फर्मेंटर या बिस्लरी बॉटल में आप डाल सकते हैं और इसका आपका एयरलॉक हो जाएगा. थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा. फिर आता है आपके एंजाइम्स आ जाते हैं. तो एक एंजाइम आ गया पेक्टिनेस क्या करेगा कि आपने ग्रेप्स के अंदर आपने देखा होगा अंदर एक व्हाइट कलर की जली होती है तो उस जली को पेक्टिन के थ्रू वो बनके वो बॉल बनती है. सो पेक्टिन एंजाइम उस जली को ब्रेक डाउन करता है तो इससे आपको जूस की एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फ्लेवर्स और एरोमास बढ़ जाएंगे, क्लैरिटी भी बढ़ती है. तो इस पेक्टिन है, क्लैरिफाइंग एजेंट है. दूसरी चीज़ आपका हो गया कैमडन पाउडर. ये सैनिटाइजर है. ये 25 grams का है विच इज इक्वल टू अबाउट 50 tablets. इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना है. इसकी कितनी डोजेज है वो यहाँ पे भी लिखी है वरना आप नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं, रेसिपी में चेक कर लीजिए. पहले बेंटोनाइट ये मैं थोड़ा सा यूज करूंगा. ये क्ले होता है, ये प्राइमरी फर्मेंटर में ही मैं डालता हूँ. और ये क्या होगा कि ये वाइन को क्लैरिफाई करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को निकाल देता है. दूसरा है आइसनग्लास. दिस इज अ नॉन वेजिटेरियन मटेरियल. ये प्लांट के इनर लाइन गट्स की इनर लाइनिंग से बनता है. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को निकाल देता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं.
फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैं बॉटलिंग से जस्ट पहले यूज करूंगा, इसकी डोजेज भी लिखी हुई है, ये बहुत जरा से यूज होता है। ये क्या करेगा कि आपकी वाइन अगर ज्यादा सार बन रही है तो थोड़ा सा डाल के इसकी सारनेस आप कम कर सकते हैं, ये उसके लिए होता है। प्लस ये कैल्शियम भी इंप्रूव कर देता है, तो कैल्शियम आपके डाइट में अगर इंप्रूव होगा तो इट विल इंप्रूव योर बोन्स। रेड वाइन टैनिन है, ये अगेन ये ऑप्शनल मटेरियल है, ये आपके रेड कलर और इसके फ्लेवर्स वगैरह फिनोलिक फ्लेवर्स को थोड़ा सा इंप्रूव करता है। फिर आपका ईस्ट न्यूट्रिएंट, वाइन में क्या होता है कि वाइन और एनी फ्रूट्स में आपका प्रोटीन कंटेंट बहुत लो होता है। जब बियर बनाते हैं तो प्रोटीन कंटेंट हाई होता है क्योंकि ग्रेन्स में प्रोटीन होता है, क्योंकि फ्रूट्स में प्रोटीन कंटेंट लो होता है तो हमें ईस्ट न्यूट्रिएंट डालना पड़ता है। दिस विल एनहांस द ईस्ट। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी द ईस्ट। ये 10 ग्राम पैकेट ऑफ ईस्ट है। दिस अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर कैन बी यूज फॉर अबाउट 25 लीटर्स ऑफ वाइन। हम लोग इसको करीब 10-12 लीटर वाइन में यूज करने वाले हैं। आप ईस्ट थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम डालेंगे तो फिर चांसेस है कि वाइल्ड फर्मेंटेशन हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका वाइल्ड फर्मेंटेशन करना है कि नहीं, यू हैव टू चूज बिटवीन कैम्पडन एंड ईस्ट। अगर आपको वाइल्ड फर्मेंटेशन करना है देन यू वुड नॉट यूज कैम्पडन और आप डायरेक्टली इसका जूस निकाल के अलाउ टू फर्मेंट इट आउट। व्हाट आई रिकमेंड यू इज कि आप अभी जूस निकाल के इसको वन डे 8 to 10 hours इसको अलाउ करें, जिससे कैम्पडन से सारे वाइल्ड माइक्रोब्स मर जाए, आपका ये सब सैनिटाइज हो जाए, एंड देन उसके बाद आप ईस्ट डालें। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, गो एज पर योर रेसिपी एज पर व्हाट यू हैव डन। मैंने इसको ऐसे इसको फैला दिया। अब आप सारे ग्रेप्स को लोगे ऐसे और इसको इसमें लेके डाल दिया, ठीक है, और ऐसे करके आपको सारे ग्रेप्स डालने। अभी ये पूरे ग्रेप्स आ गए हैं, उसके बाद मैंने इसको अभी बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको उठा के इसमें से जितना पानी है उसको भी निकाल सकते हैं और ना भी निकालें। मैं निकाल चुका हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसका ग्रेप्स का हम लोग जूस निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने बैग ले लिया है तो ईजी है, अगर आपने बैग नहीं लिया है तो आपको एप्रन जरूर पहन लीजिएगा और इसका स्क्वीज करते जाएंगे और इसका जूस निकालते जाएंगे। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, इसमें अगर आप अपने फ्रेंड्स नेबर्स उसको भी बुला लेंगे तो आप यूरोपियन स्टॉम्पिंग का भी ले सकते हैं, जो वाइन स्टॉम्पिंग होता है उसका भी मज़ा ले सकते हैं। डू इनवाइट योर फ्रेंड्स ओवर, इफ दे एंजॉय व्हाट यू मेक दे विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट इन व्हाट यू लाइक। मैं छोटा बैच करता हूँ तो इसलिए मैं बैग में यूज़ करता हूँ। अगर आप बड़ा बैच कर रहे हो तो आप वैसे भी डाल सकते हो। बैग में डालने से फायदा ये रहता है कि ये थोड़ा सा सिमटा सा रहेगा, मुझे बाद में जो होगा मुझे मैं सिर्फ बैग को खींच के निकाल दूंगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स टू दी आपको और क्या क्या चीजें डालनी है। किट में मैंने आपको 12 आइटम्स दिखाए थे, तो 12 आइटम्स में से एक आइटम आपको जो होगा वो पेक्टिनेस एंजाइम होगा। एंजाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपको व्हाइट व्हाइट से जो गूदा दिखता है ना वो उस गूदे को ब्रेक डाउन करता है। तो हमने ये लिया, ये छोटा सा जिपलॉक बैग है, इसमें मैंने अभी 5 grams पेक्टिनेस डाला है और इसके अंदर मैंने 2 grams कैम्पडन पाउडर डाला है। आफ्टर योर जॉब इज डन तो आपके पास गुदा ऐसे बचेगा, इतना सारा गुदा आपका बचेगा और जूस बचेगा। जूस को आप देख सकते हैं कि इसमें रेड कलर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन और फर्दर रेड कलर आपका अभी छिलके में है। Now it depends upon you. अगर आपको बहुत ही लाइट रेड कलर आपको चल जाता है, रोजे टाइप का बनाना है, तो आप डायरेक्टली इसको फर्मेंट करेंगे। इसमें फर्मेंट करने से फायदा ये रहेगा कि आपकी मेहनत कम रहेगी, आप इसको डायरेक्टली एक छोटे से फर्मेंटर में डाल सकते हो विद एयर लॉक। मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा और डीपर रेड कलर चाहने के लिए। दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट द कॉन्टैक्ट विद द स्किन टू बी मैक्सिमम। तब मैं क्या करूंगा, इसको एक बैग में रख के इसके अंदर वापस डाल दूंगा। अभी हमने ग्रेप जूस के साथ हमने पल्प वापस ऐड कर दिया है और क्योंकि ये बहुत छोटा बैच है तो मैंने इसको कपड़े में मैंने डाल दिया है और इसके अंदर अभी कैम्पडन और पेक्टिनेज मैंने ऑलरेडी मिक्स कर दिया था। इन सब के साथ साथ इसको अभी हम लोग 24 hours ऐसे ही रख देंगे। विदाउट ईस्ट कैम्पडन विल किल ऑल द माइक्रोब्स एंड माई फर्मेंटेशन विल नॉट स्टार्ट, बट पेक्टिनेज विल ब्रेक डाउन द सेल वॉल और उससे जूस और कलर और इम्प्रूव हो जाएगा।
कल मैं इसकी हाइड्रोमीटर रीडिंग लूंगा।